आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। सरायकेला राजनगर में आज झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 27 जुलाई से हड़ताल पर गए। आज 22वां दिन है। वही मनरेगा कर्मी संघ के जिला अध्यक्ष शंकर सतपति के नेतृत्व में आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को भी उनके आवास में 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जहां मंत्री महोदय ने मनरेगा कर्मियों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने की बात कही। वहीं परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद राजनगर के पुराने प्रखंड व अंचल कार्यालय के समीप सभी मनरेगा कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक रखी। वहीं मनरेगा कर्मचारी संघ के जिला सचिव अनिल कुमार मुर्मू ने कहा कि आज झारखंड के प्रत्येक जिले के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए तथा 18 अगस्त तक यदि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता तो 20 अगस्त को झारखंड के सभी मनरेगा कर्मी लगभग 5000 मनरेगा कर्मी सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस्तीफा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी मनरेगा कर्मी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनिया अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से निष्ठापूर्वक काम करते आ रही हैं। हमारी नियुक्ति सरकारी प्रयोजन एवं पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया से आरक्षण रोस्टर का पालन कर मेगा सूची के आधार पर हुई है। सरायकेला से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। और मंदे अल्प मंदे में काम कर रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 10 साल होने से अस्थायी कर्म होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, कुछ पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, कोरोना जैसे महामारी में हम लोग को काम कराया गया, लेकिन हम लोग का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य लाभ का, कोई भी अगर कुछ होता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें से कोई बीमा कुछ नहीं है। एक कफन के लिए मैंने हम लोग को साथी को नहीं दिया गया है। 7-8 साथी हमारे डिप्रेशन में जो है मृत्यु हुई है इन कोरोना काल में, महामारी में। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि हम लोग हड़ताल नहीं करें, सांकेतिक में भी थे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का हम बात कर रहे हैं, हड़ताल मत कीजिए, लेकिन किसी तरह का कोई हम लोग के पक्ष में वार्ता अभी तक नहीं हुई है। ये कि अगर सरकार से सकारात्मक वार्ता नहीं होती, हमें मांगे को पूरी नहीं करती है, तो हम लोग 20 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सब हम लोग तैयार हैं। और पूरा झारखंड में सभी ब्लॉक के कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है कर्मचारी संघ है, उसको भी संज्ञान में लिया गया है, और झारखंड का जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग सहयोग किए हैं, और पूरा राज्य में 26-27 को मनरेगा का काम पेन डाउन करने जा रहे हैं, राज्य मैंने पूरा देश में, पूरा भारतवर्ष में। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 27 जुलाई से जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, उसी हड़ताल को और मजबूत करने के लिए उस सिलसिले में हर प्रखंड में बैठक हो रहा है। इस तरह जैसे हम लोग राजनगर में बैठे हैं, उस तरह से जिले के सभी प्रखंड में जो है आज हम लोग बैठक करके एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं इसको? मांग है हम लोगों का कि हम लोग 12 साल से काम कर रहे हैं मनरेगा कर्मचारी के रूप में, और हम लोग को न कोई सुविधा नहीं है, और मानदेय अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 10 साल होने से अस्थायी कर्म होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं, कुछ पालन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है, कोरोना जैसे महामारी में हम लोग को काम कराया गया, लेकिन हम लोग का कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य लाभ का, कोई भी अगर कुछ होता है, दुर्घटना होता है, तो उसमें से कोई बीमा कुछ नहीं है। एक कफन के लिए मैंने हम लोग को साथी को नहीं दिया गया है। 7-8 साथी हमारे डिप्रेशन में जो है मृत्यु हुई है इन कोरोना काल में, महामारी में। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था कि हम लोग हड़ताल नहीं करें, सांकेतिक में भी थे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आप लोग का हम बात कर रहे हैं, हड़ताल मत कीजिए, लेकिन किसी तरह का कोई हम लोग के पक्ष में वार्ता अभी तक नहीं हुई है। यह कि अगर सरकार से सकारात्मक वार्ता नहीं होती, हमें मांगे को पूरी नहीं करती है, तो हम लोग 20 तारीख को सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सब हम लोग तैयार हैं। और पूरा झारखंड में सभी ब्लॉक के कर्मचारी जो है मुख्यमंत्री के समक्ष जो है
हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है कर्मचारी संघ है उसको भी संज्ञान में लिया गया है, और झारखंड का जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो लोग सहयोग किए हैं, और पूरा राज्य में 26-27 को मनरेगा का काम पेन डाउन करने जा रहे हैं राज्य, मैंने पूरा देश में, पूरा भारतवर्ष में।